हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम माथेमा एकेडमी से, जिसका नाम है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज कॉल्ड MSTCT। स्टूडेंट्स, आज हम लोग MSTCT के एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो हम लोग देखने वाले। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो JEE का क्वेश्चन देखे थे किस टाइप का देखे थे। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि जब भी हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो देखे थे JEE के अंदर, मैक्सिमम लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखेंगे आप लोग, मैथमेटिकल लॉजिक का जब भी हम चैप्टर पढ़े थे तो मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा था कि जितने भी लॉ है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि ये लॉ ही आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 और 10 लॉज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़े से लॉ आपको अल्टरनेट चेंजेस याद करने पड़ते हैं। अल्टरनेट चेंजेस की वजह से वो इक्विवेलेंट सर्किट में आता है और इक्विवेलेंट सर्किट में ही आपको ऑप्शन में वहां पर हमारा आंसर फाइनलाइज होता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, आज हम लोग महाराष्ट्र सेट मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल मीन्स स्टूडेंट जो हम लोग लास्ट वीडियो की जो बात करें उसकी मैं कल की बात कर रहा हूँ, यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, वहां पर हम लोग JEE के जो ऑप्शन के क्वेश्चन थे वो पढ़े थे MCQ टाइप का। अभी देखिए आज का MSTCT का पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न निगेशन पी एंड क्यू इक्वेलेंट टू। निगेशन पी बताने का आपको कि ये जो किसके इक्वेलेंट है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन का पूछा गया है सेट 2017 में, मीन्स 2017 में पूछा गया है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर 2016 के सेट का भी दो क्वेश्चन पढ़ चुके थे। मैं आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि जब मैंने MSTCT का पूरा सिलेबस और मार्किंग स्कीम की बात कर रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि हर ईयर से जो है हर चैप्टर से मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाने वाले हैं सेट के अंदर, लेकिन 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके ऊपर डिपेंड है कि वो 3 पूछ रहे या 2 पूछ रहे, ठीक है। लेकिन 2 तो एटलीस्ट 2 तो पूछा ही जाएगा। देखिए अभी पहला क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, पी और क्यू और निगेशन पी। दूसरा ऑप्शन क्या है, निगेशन पी एंड पी और क्यू। तीसरा ऑप्शन क्या है, पी एंड क्यू कंडीशनल पी। चौथा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन पी और क्यू कंडीशनल पी। स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है यही चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व करने का है और कौन सा ऑप्शन इसके इक्विवेलेंट है दैट इज योर राइट आंसर होने वाला है। समझ में आया, तो पहले ऑप्शन की तरफ अभी हम लोग जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पी और क्यू। दूसरा क्या है यहाँ पे, पहले ऑप्शन में ही दूसरा क्या है यहाँ पे, और निगेशन पी। अब स्टूडेंट देखिए, निगेशन पी अगर डायरेक्टली करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना आता आपको तो इसको आप लेफ्ट में लेके आइए और इसको राइट में लेके जाइए। कौन से लॉ की वजह से आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की वजह से आता है निगेशन पी और क्यू। ओके, अगर आप अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स कि ये आप लेफ्ट में ही लेके आए, क्योंकि इधर करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होने वाला 100%। तो अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो निगेशन पी और पी हो गया यहाँ पे, फिर और के साइन लगेगी, फिर क्या हो जाएगा, निगेशन पी और क्यू हो जाएगा। समझ में आया, अभी देखिए निगेशन पी और पी की वजह से क्या आता है, ट्रू आता है। ये किसकी वजह से आता है, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से आता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टी और निगेशन पी और क्यू। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए कि टी और जब भी साथ में कोई पी रहता है तो क्या बचता है यहाँ पे, ओनली टी बचता है। ये किसकी वजह से आता है, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का भी हम लोग फॉर्मूला रिवाइज सब कुछ देख चुके हैं। तो अगर यहाँ पे टी आ रहा है, अभी यहाँ पे पैटर्न में जो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट करना था ये टी है क्या, नहीं है, मिस क्या पता चला, ये पहला ऑप्शन जो हमारा रॉन्ग है। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अभी दूसरा ऑप्शन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, निगेशन पी एंड पी और क्यू ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी आप इसको भी सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट बार बार ये बता रहा हूँ कि सॉल्व करने के बाद आपको इसके इक्विवेलेंट लाने का, जो ऑप्शन से ये इसके इक्विवेलेंट आ गया वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, निगेशन पी एंड पी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, और के साइन, फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे, निगेशन पी एंड क्यू। ओके, अभी देखिए निगेशन पी एंड पी क्या हो जाता है यहाँ पे, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स यहाँ पे, और के साइन लगूंगा। अब ये फॉल्स किसकी वजह से होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से। जैसे यहाँ पे और था, और की ट्रू आ रहा था, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से। देखिए यहाँ पे और की साइन लग रही थी, ट्रू हो जाता है। देखिए याद करते हैं कैसे, मेमोराइज करना कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखिए कि जब और की साइन लग रही है ट्रू हो जा रहा है, एंड की साइन लग रही है तो फॉल्स हो जा रहा है। ऐसे ही आपको याद करने का है, फॉल्स और क्या बचा यहाँ पे, निगेशन पी एंड क्यू। अब देखिए जब फॉल्स के साथ और की साइन आएगा, जब फॉल्स के साथ और की साइन आएगी पी का, तो यहाँ पे ओवरऑल पी बचता है। पी मीन्स यहाँ पे निगेशन पी एंड क्यू को मैं ओवरऑल पी माना हूँ। अभी देखिए जब और के साथ टी आ रहा था आइडेंटिटी लॉ में तो क्या बच रहा था, टी बच रहा था, लेकिन जब और के साथ एफ आ रहा था तो क्या बच रहा था, पी बच रहा था। समझ में आया, ये भी आइडेंटिटी लॉ का दो कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखने वाली चीज है। अभी देखिए ये हमारा आंसर है, अभी देखिए इसको इक्विवेलेंट कीजिए जो क्वेश्चन में पूछा गया, यस यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो इससे मतलब कौन से ऑप्शन से मिला हमको ये आंसर, सेकेंड ऑप्शन से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन।
अगर आप यहाँ तक सही करते तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे समझ लीजिए कि मिल गया आपको, समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इफ सी डिनोट्स द कॉन्ट्राडिक्शन देन डुअल्स ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या पता लगाने का आपको? डुअल्स पता लगाने का है। अब स्टूडेंट डुअल्स का आपको मैं पूरा फॉर्मूला बता चुका हूँ कि डुअल्स कैसे चेंजेस होंगे। एंड से और हो जाएगा, और से एंड हो जाएगा, टी से सी, टी मीन्स टोटोलॉजी, से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन से टोटोलॉजी हो जाएगा, लेकिन निगेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट करने वाला नहीं है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये भी सेट 2017 में ही पूछा गया है, मीन्स 2017 में ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए अभी ऑप्शन क्या है, निगेशन पी और क्यू एंड सी, क्यू एंड सी। अब सी मीन्स क्या है? डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अभी देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, क्यू और सी मीन्स ये चेंजेस होने वाला है। क्यों चेंजेस होगा? क्योंकि सी की जगह क्या आने वाला है? टी आने वाला है, समझ में आया। अभी देखिए निगेशन पी हर जगह सेम है क्या? देखिए पी यहाँ पे निगेशन है क्या? नहीं है, मीन्स ये ऑप्शन पूरी तरह से रॉन्ग ही है, क्योंकि निगेशन के ऊपर डुअल्स कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, समझ में आया। तो सी रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अभी एक ही तरफ से बढ़ते हुए चलते हैं, निगेशन पी एंड से क्या हो गया? और हो गया, समझ में आया। लेकिन आगे भी देखते हैं, क्यू तो ऐसे ही है लेकिन और से एंड हो गया, समझ में आया, और से एंड हो गया। लेकिन सी का सी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी का क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। आपको पूरा ऑप्शन जब तक कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप राइट आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि मालूम नहीं कब कहाँ चेंजेस हो जाए, समझ में आया। ऐसे ही 2 मार्क्स आपको इजीली नहीं मिलने वाले। अभी ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। अभी देखिए बी और डी में यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलने वाला है, मीन्स हमारी जो एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है 50-50 है, ये भी हो सकता है 50%, ये भी हो सकता है। अभी देखिए बी में जब आएंगे तो निगेशन पी ऐसे ही है, अब एंड है तो और होना चाहिए, मीन्स बी बी का रॉन्ग आंसर हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी है। अब डी कैसे राइट आंसर हुआ ये भी ध्यान दीजिए, डी आंसर कैसे हमारा राइट हुआ, निगेशन पी एंड की जगह क्या हो जाना चाहिए? और क्यू तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे और की जगह क्या हो जाना चाहिए? एंड। सी की जगह क्या होना चाहिए? टी। देखिए टी यहाँ पे हो गया, तो हमारा राइट आंसर सेकंड भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। अभी देखिए थर्ड, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिए थर्ड कैसे होने वाला है यहाँ पे। अभी देखिए थर्ड में क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, ये भी क्वेश्चन को सेट 2017 में भी पूछा गया। स्टूडेंट मैं अभी थोड़ी देर ही पहले आपको ये बताया हूँ कि MSTCT के अंदर या तो 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन हर चैप्टर का आपको एग्जैक्टली पूछा ही जाएगा। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के पूछे ही जाने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग ये लॉजिक कंप्लीट किया, इसलिए लॉजिक का पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जब हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा तो उसका भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके भी मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन MSTCT की बात करो। लेकिन JEE के अंदर एक ही क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, समझ में आया। और उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के भी सिलेबस है जो आपके सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है, जो हमारे सिलेबस में बोल सकते इंक्लूड नहीं हुआ है। देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में आपको बताने का कि व्हिच टोटोलॉजी, मतलब कौन सा टोटोलॉजी शो कर रहा है। अब टोटोलॉजी कैसे पता चलेगा? जब भी हम सॉल्व करेंगे तो टी आया डेट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, अगर एफ आया डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, अगर वो मिक्सअप आता है, मिक्सअप आने के चांसेस बहुत कम है, वो अगर पी या पी एंड निगेशन पी ऐसा आता है तो आप उसको कॉलम से सॉल्व करें, क्योंकि बड़ा इक्वेशन से छोटा इक्वेशन अगर बन रहा है तो कॉलम इजिली सॉल्व हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मालूम ही पड़ गया कि पी एंड निगेशन पी, इसलिए तो कुछ भी चेंजेस करने वाले नहीं है अभी हम लोग इसका। हम लोग देखिए टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली टी और एफ आने वाला है, लेकिन कंटिजेंसी की, जैसे यहाँ पे कभी फॉर एग्जांपल बात कर ले यहाँ पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिजेंसी, कंटिजेंसी क्योंकि कंटिजेंसी क्या है यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स दोनों का मिक्सअप है। तो आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा अगर आया तो आपको ये पहले कॉलम में बना के चेक करना है, ये बनाएंगे कॉलम में तो 100% आपका टी और एफ दोनों मिक्सअप ही आने वाला है, समझ में आया। अभी देखिए पहला यहाँ पे टी तो मिलेगा नहीं इससे हमारे को, अभी सेकंड पे आते हैं। सेकंड का क्या ऑप्शन है, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। ओके अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कंडीशनल लॉ के हिसाब से, कंडीशनल लॉ क्या बोलते हैं यहाँ पे, निगेशन निगेशन क्यू और निगेशन पी, समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए निगेशन निगेशन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, क्यू बचेगा यहाँ पे और निगेशन पी। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए ये निगेशन सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कंडीशनल लॉ सॉल्व करते टाइम। कंडीशनल लॉ क्या है यहाँ पे, पी कंडीशनल क्यू है अगर, तो इसका क्या होता है, निगेशन पी और क्यू होता है, समझ में आया। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ किया थे, मिस क्या पता चला यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन भी ये मैच नहीं हो रहा, मतलब टोटोलॉजी नहीं। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, पी और क्यू कंडीशनल पी, समझ में आया, पी और क्यू कंडीशनल पी थर्ड ऑप्शन।
अभी थर्ड ऑप्शन में सबसे पहले हमको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा ये, क्योंकि कंडीशनल लॉ अप्लाई हुआ है। ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निगेशन क्यू और पी, समझ में आया यहाँ तक। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते देखते क्या मिलता है, पी और निगेशन क्यू मिल गया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, पी और निगेशन क्यू मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए पी और निगेशन क्यू मिलने से पहले यहाँ पे हमको एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको गलतियाँ कहाँ होती है ये चीज़ मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए हम लोग पहला ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, पहले ऑप्शन से हमारा टोटोलॉजी का टी नहीं मिला है, समझ में आया। अभी सेकंड ऑप्शन पे निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी यूज़ किए तो यहाँ पे भी हमको डायरेक्टली टी नहीं मिला, समझ में आया। अभी थर्ड ऑप्शन जब यूज़ किया तो थर्ड ऑप्शन में भी यहाँ पे क्या हुआ, पी और निगेशन क्यू और पी, देखिए टू टाइम पी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो सकता ये। तो इससे क्या पता चला कि तीन ऑप्शन अगर सही नहीं है तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट होने ही वाला है। इनके स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखिए आप कि कभी कभी क्वेश्चन एमएसटी सीटी के अंदर रॉन्ग भी पूछे जाते हैं, तो ये चार ऑप्शन करने के बाद भी अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है, मीन इन केस यहाँ पे चार ऑप्शन करने के बाद भी अगर आपका आंसर सही नहीं आता, राइट नहीं आता, मीन्स आपको एमएसटी सीटी वहाँ पे आपको फ्री में 2 मार्क्स देने वाली है। तो ये भी क्वेश्चन का पूछा गया था सीटी 2017 में, तो देखिए 2017 में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ईयर का कुछ क्वेश्चन बता सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे देखिए, द स्टेटमेंट पैटर्न पी एंड निगेशन पी एंड क्यू इज, ये कब पूछा गया ये क्वेश्चन, सेट के को 2018 में पूछा गया, मीन्स 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया। 2018 में क्या बोला है कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में क्या बताने का आपको कि ये जो पैटर्न दिया है वो कौन सा पैटर्न है, टोटोलॉजी है या फिर इक्वेलेंट टू पी एंड क्यू। मीन्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो पी एंड क्यू के इक्वेलेंट है या फिर किसी और के है, ये सेकंड ऑप्शन पे। ये थर्ड ऑप्शन पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स डेट इज अगर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको एफ आता है तो डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, अगर टी आता है डेट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, या फिर इक्वेलेंट टू पी और क्यू, इक्वेलेंट पी और क्यू क्या अगर आता है तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली पी और क्यू तो आने ही वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड की साइन है, तो यहाँ पे और की साइन बनेगी ही नहीं। आप सॉल्व तो करना ही आपको, देखिए अभी सबसे पहले उसके बाद हमको करना क्या स्टूडेंट ध्यान रखिए, अभी करना क्या हमको कि सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमको चेक करने का कि क्या है ये। देखिए तो फिर क्या हमारा क्वेश्चन पहला कि पी एंड निगेशन पी एंड क्यू, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ओके। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये टोटोलॉजी है या फिर इक्वेलेंट टू पी एंड क्यू है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर इक्वेलेंट टू पी और क्यू है, जो भी आपके इक्वल आता है वही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन के साथ। अभी देखिए क्या करेंगे, पी एंड निगेशन पी, ओके। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग देखते हुए एक चीज चल रहा है यहाँ पे कि अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर लॉ ही यूज हुआ है। लॉ मीन्स जितने टाइप के हम लोग लॉ पढ़े, तो लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम, दोनों चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये। पी एंड निगेशन पी, फिर एंड की साइन लगाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा पी एंड क्यू, ओके। अभी देखिए पी एंड निगेशन पी से क्या होता है, एफ होता है, एफ मीन्स कैसे हुआ, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के साथ एफ और सॉरी एफ एंड पी एंड क्यू। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखिए कि एफ के साथ जब एंड की साइन लगेगी और कुछ भी हो वहां पे तो यहाँ पे एफ ही आने वाला है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं कि एफ के साथ जब एंड की साइन लग रही हो एफ पी के कुछ भी है यहाँ पे तो एफ ही आने वाला। अगर यहाँ पे इन केस अगर यहाँ पे और की साइन होती तो और की साइन जब लगती है एफ के साथ तो ये हमारा पी का फंक्शन आता है। ये किसकी वजह से आ रहा है, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। इसलिए मैं बार बार आपको हर लेक्चर के अंदर ये चीज बताते हुए चला हूँ कि F का दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जब भी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी लॉ मस्ट है, आना ही आना है, उसको आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आइडेंटिटी लॉ आए तो वहाँ पे हमारा जो पूरी तरह से सर्किट वो कंप्लीट नहीं हो पाती, पूरी तरह से जो सर्किट का सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमको पूरी तरह से मिलेगा नहीं। तो F आया, अब F किसके अंदर आता है, टोटोलॉजी के अंदर आता है क्या, नहीं। इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू है क्या, नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, यस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐसे ही हमको एंट्रेंस एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का और आंसर लेके आने का है। हमको स्टूडेंट्स ये टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करके एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 15 to 16 सेकेंड ये कब होगा, जब आप लॉ पूरे को अच्छी तरह से पूरा कंप्लीटली याद करके रखे होंगे, समझ में आया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बनाने का है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो आपको स्टेटमेंट कैसा बनाने का है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने का है। वो स्टेटमेंट क्या है, इफ वेदर इज फाइन, देखिए ध्यान दीजिए, इफ वेदर इज फाइन देन माई फ्रेंड्स विल कम। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे क्या है, इफ भी लगा है,
और यहाँ पे क्या लगा है, देन भी लगा है। मीन्स क्या पता चला यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे इफ भी लगा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी से स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखना। आपको क्या दिया यहाँ पे, आपको कंसिडर क्या करने का, पी पी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे वेदर इज फाइन, समझ में आया, वेदर इज फाइन, वेदर इज फाइन, ओके। अभी देखिए पी हो गया, अभी क्यू की बात करूंगा मैं, देन माय फ्रेंड्स विल कम, मतलब क्या हो गया कि क्यू हम लोग क्या करेंगे, माय फ्रेंड्स विल कम, ओके, माय फ्रेंड्स विल कम। अब आर क्या हो गया, देखिए यहां तीसरा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि एंड वी गो फॉर द पिकनिक, तीसरा स्टेटमेंट की जो कनेक्टिविटीज है वो एंड के साथ है। देखिए इफ और देन, दो स्टेटमेंट के बीच में इफ और देन लगा हुआ है, तीसरे स्टेटमेंट के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, समझ में आया यहाँ पे। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कंसिडर करेंगे, आर, आर इज इक्वल टू क्या है, वी गो फॉर पिकनिक, वी गो फॉर पिकनिक, समझ में आया। अभी देखिए ये स्टेटमेंट बना कैसे, पी एंड क्यू के साथ लगा हुआ है, समझ में आया, पी एंड नहीं सॉरी, यहाँ पे इफ और देन पी और क्यू के बीच में लगा हुआ है। अब एंड की साइन किसके बीच में लगा हुआ, तीसरे स्टेटमेंट के बीच में, एंड आर, और तीसरा स्टेटमेंट को क्या हम लोग कंसिडर करके रखे, आर। अब स्टूडेंट्स इसी को हमको बनाने का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब इसको बनाऊंगा तो ध्यान दीजिए अभी कैसा होने वाला है, ये सेम कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट जब होगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन आर हो जाएगा, और क्या होगा, निगेशन आर हुआ, फिर यहाँ पे और क्या लगाऊंगा, ये ध्यान में रखना आपको कि निगेशन आर जब यूज हुआ, निगेशन आर जब यूज होगा स्टूडेंट, तो एक चीज ये भी दिमाग में रखना आपको कि जब भी हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज करते हैं तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमेशा कंडीशनल की साइन यूज करते हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन में ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है स्टूडेंट्स कि जब मैं निगेशन आर यूज करूंगा तो यहाँ पे एंड की साइन लगाना पड़ेगा, समझ में आया, यहाँ पे ब्रेकेट का पूरा रोल है, ब्रेकेट का रोल पूरा क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो यूज हो तो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको ब्रेकेट के साथ, मैं ये ब्रेकेट के साथ ऐसा यूज कर सकता हूँ, समझ में आया यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इफ और देन जो दो स्टेटमेंट के साथ यूज तो हुआ लेकिन वहां पे दो स्टेटमेंट जो है वो सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट्स को कनेक्टिविटीज के साथ लेके जाएगा, ध्यान दीजिए ये चीज में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब यूज कर रहे तो निगेशन आर यूज करने के बाद यहाँ पे हमारी कंडीशनल की साइन लगना मस्ट है। तो कंडीशनल की साइन जब लगाएंगे, कंडीशनल यहाँ पे कंडीशनल की साइन लगा, यहाँ पे निगेशन फिर लगेगा क्यों, यहाँ पे निगेशन फिर लगेगा तो क्या लगेगा, निगेशन क्यों यहाँ पे, और आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जब ये आप गलतियां यहां करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि निगेशन आर अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं, आप निगेशन आर डायरेक्टली आप लिखेंगे नहीं, निगेशन आर ये तब लिखते हैं हम लोग जब ये सिंगल स्टेटमेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी डबल स्टेटमेंट के साथ कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है तो हम कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान दीजिए कैसे लिखने वाले हैं, निगेशन क्यू एंड आर, अभी देखिए इंप्लाइज की साइन, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल की साइन किसके साथ जाएगी, कंडीशनल पी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, पी कंडीशनल क्यू रहता है, एक चीज याद होगा हम लोग देखे थे कि पी कंडीशनल क्यू जब बनता है तो जब हम लोग इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज करते तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या यूज करते हैं, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, ऐसा यूज करते, याद होगा आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऐसे यूज करते, सेम ये कॉन्सेप्ट है, पी कंडीशनल क्यू, अब क्यू को निगेशन में पहले यूज करूंगा फिर कंडीशनल पी के साथ निगेशन यूज करूंगा, समझ में आया। अभी देखिए स्टूडेंट्स जब ये निगेशन इसके ऊपर अप्लाई होगा तो निगेशन अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन क्यू और एंड की साइन कैसी हो जाएगी, और फिर निगेशन आर कंडीशनल निगेशन पी, समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए इस टाइप का स्टेटमेंट आपको ये चारों ऑप्शन के अंदर ढूंढने का है, निगेशन क्यू मीन्स क्या है यहाँ पे, अब देखिए कंडीशनल यहाँ पे यूज हुआ मीन्स पहले इफ आएगा ही आएगा क्योंकि इफ और देन इसी के बीच में लगा हुआ, समझ में आया। तो निगेशन क्यू, अभी देखिए क्यू किसको माने हम लोग, माई फ्रेंड विल कम, मीन्स क्या पता चला कि इफ माई फ्रेंड डज नॉट विल कम या इफ माई फ्रेंड डू नॉट विल कम, जो भी नॉट तो आएगा ही आएगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, इफ माई फ्रेंड कहीं से चालू हो रहा है क्या, If my friend, देखिए सेकेंड ऑप्शन में if my friend do not come, समझ में आया, if my friend do not come, फिर किसकी साइन लगी, और की, और यहाँ पे, फिर यहाँ पे निगेशन आर, मीन्स थर्ड स्टेटमेंट की बात हो रही है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, वी गो फॉर द पिकनिक, लेकिन निगेशन यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वी डो नॉट गो फॉर द पिकनिक, देखिए वी डो नॉट गो फॉर पिकनिक। अब देखिए देन लगा, देन क्यों लगा, क्योंकि इफ और देन यहाँ पे पहले से ही इंप्लाइज लगा हुआ है। अब निगेशन पी, निगेशन पी क्या यहाँ पे, वेदर की बात कर रहा है, इफ यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या है, इफ माई फ्रेंड डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर दी पिकनिक देन वेदर विल नॉट बी फाइन, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। पहला ऑप्शन कैसे राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला देखिए वेदर की बात कर, तो वेदर तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट के तो, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट, हमारा अच्छा सेकेंड ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट हो गया। अगर आप यहाँ तक करते तो यहाँ पे भी आपको
टू मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया? और ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया है? सेट के 2018 में। देखिए सेट के 2018 में ओनली टू क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्थ और फिफ्थ। इसको मैंने फोर्थ और फिफ्थ दिया, उसके अंदर कुछ और भी दे सकता है। समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन, एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन मे बी तीन भी हो सकता है एज पर दी सिचुएशन के हिसाब से, जैसा कंडीशन रहा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ईयर का बता सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एमएसटी सेट का। अभी 6 क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। 6 क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा है। मीन्स एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट क्या है, पी कंडीशनल क्यू दिया हुआ है, डेट इज कॉल्ड पी इम्प्लाइज क्यू भी बोल सकते हैं आप उसको। पी इम्प्लाइज क्यू का जो है जो नॉट इक्विवेलेंट है ये चार ऑप्शन के साथ कोई एक। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, P इज सफिशियंट फॉर Q। देखिए पहले ऑप्शन में क्या बता रहा है कि P इज सफिशियंट फॉर Q। सेकंड ऑप्शन क्या है, P ओनली इफ Q। थर्ड ऑप्शन क्या है, Q इज नेसेसरी फॉर P। फोर्थ ऑप्शन क्या है, Q ओनली इफ Q। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे P इज सफिशियंट फॉर Q, देखिए P और Q की ही बात कर रहा है, तो P तो सफिशियंट होना ही है Q के लिए, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट है, लेकिन आपको इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, नॉट इक्विवेलेंट बताने का है। समझ में आया? सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, P ओनली इफ। अब P ही F के बराबर, Q के बराबर है, Q P से कभी ओनली इफ नहीं हो सकता। मीन्स पहला क्या है यहाँ पे, P है, तो P ओनली इफ Q। समझ में आया? मीन्स दूसरा भी इक्विवेलेंट ही है। अब थर्ड की तरफ आते हैं, थर्ड की तरफ क्यों आएंगे, तो थर्ड ऑप्शन में क्या, Q इज नेसेसरी फॉर P। देखिए अगर Q नहीं रहा तो P अकेला रह के भी क्या करेगा, तो Q इज नेसेसरी फॉर P। मीन्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी इक्विवेलेंट है। फोर्थ की तरफ आते हैं, फोर्थ राइट ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग, Q ओनली इफ P। देखिए अगर Q पहले होता तो Q ओनली इफ P भी राइट आंसर होता, लेकिन Q सेकंड पे है, सेकंड पार्ट पे है, तो Q ओनली इफ P इट इज अ रॉन्ग आंसर। अब यहाँ हमको रॉन्ग आंसर ही बताने का, रॉन्ग आंसर मीन्स नॉट इक्विवेलेंट की बात करो, रॉन्ग आंसर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट इक्विवेलेंट बताने का। तो नॉट इक्विवेलेंट ये ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन हमारा नॉट इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। समझ में आया? अभी देखिए ये कब पूछा गया था स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेट 2019 के डे 1 के शिफ्ट 1 में। मीन्स समझ में आया? यहाँ पे देखिए 2019 में दो दिन क्वेश्चन पूछा गया, डे 1 और डे 2, टू टाइम पूछा गया है, और टू टाइम में भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछा गया है। शिफ्ट 1 में कहीं टू क्वेश्चन पूछा, कहीं थ्री क्वेश्चन पूछा, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अभी क्या है, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया, कैसा स्टेटमेंट है, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन की, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये कब पूछा गया है, सेट 2019 के डे 1 में ही पूछा गया है और शिफ्ट 1 में ही पूछा गया। मीन्स क्या है कि सेम ये क्वेश्चन जैसा पूछा गया, सेम ये भी पूछा गया है, लेकिन उस टाइम दो क्वेश्चन पूछा गया। समझ में आया? अभी देखिए ऑप्शन क्या है, पी एंड क्यू पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पी एंड निगेशन क्यू, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, निगेशन पी और क्यू, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, पी और निगेशन क्यू। ये कब पता चलेगा आप, जब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन में से हमारा कोई राइट आंसर आएगा, और वहां पे राइट आंसर आने के साथ साथ हमारा टू मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले हम लोग जब कंप्लीट करते हैं, निगेशन है पी कंडीशनल निगेशन क्यू। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू यही होने वाला है, क्योंकि निगेशन इसके साथ निगेशन लगता है और यहाँ पे ऑलरेडी निगेशन दिया हुआ है। समझ में आया? तो अभी निगेशन सब पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ निगेशन निगेशन करेंगे तो पी हो जाएगा, अब ये निगेशन और से साथ क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ, पी एंड क्यू बचा। देखिए चार ऑप्शन के अंदर कोई है क्या पी एंड क्यू, पहले ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के। देखिए अभी फिर मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ कि लॉ का ही यहाँ पे भी यूज हुआ है, तो लॉ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंट्रेंस एग्जाम हुज आस्किंग मैथमेटिकल लॉजिक, जो मैथमेटिकल लॉजिक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या है, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए ये कौन सी साइन है, डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सबसेट ऑफ कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है, डेट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझ में आया? एन प्लस 7 इज लेस देन 6, एन प्लस 7 जो एक सबसेट का एक वैल्यू दी है, जो एन प्लस 7 लेस देन, वहां पे आपको ओनली निगेशन लगाने का है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो आपको चेक करने का है कि यहाँ पे यूनिवर्सल कहीं है क्या, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, चौथे ऑप्शन के अंदर यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो वही चौथा ही ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। देखिए एन प्लस 7, अब ये लेस देन इक्वल टू, अब या फिर इसको आप ऐसा कर दीजिए, ये क्वेश्चन जो ऐसा दिया हो, ये हमारा राइट आंसर यही है, डी ऑप्शन ही है स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर डी ऑप्शन है, लेकिन या आप इसको ऐसा भी, ये एग्जाम में ऐसा ना लिखते हुए एग्जाम में ऐसा भी ये दे सकता था, एन प्लस 7 एक ऑप्शन मान लीजिए, यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया ये तो हमारा राइट आंसर है, लेकिन एक ऑप्शन एग्जाम में ऐसा भी दे सकता था ऐसा करके, ठीक है, तो ये भी राइट आंसर रहता हमारा। समझ में आया? क्योंकि निगेशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ ऐसा भी लिखे तो भी निगेशन बोलते, इसको ऐसा लिखेंगे तो भी निगेशन बोलते, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अगर देता
तो यहाँ पे दोनों आंसर राइट हो सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर दो आंसर राइट नहीं दे सकता था, इसलिए वहां का वो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता था। समझ में आया? अभी फिलहाल निगेशन का रूल ये भी अप्लाई कर सकते, ये भी अप्लाई कर सकते, एग्जामिनर कैसा भी, तो आप यही याद करके नहीं जाएंगे कि ऐसा ही निगेशन अप्लाई होता है, ऐसा भी निगेशन अप्लाई होता है। समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ये हमारा राइट आंसर है। ये कब पूछा गया था एग्जाम में? सेट 2019 में ही पूछा गया था, डे वन में ही पूछा गया था, लेकिन शिफ्ट टू में पूछा गया था। शिफ्ट टू मीन्स मॉर्निंग सेशन में नहीं, आफ्टरनून सेशन की बात कर रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बता सकूं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, अभी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। इफ पी कॉमा क्यू आर ट्रू एंड आर कॉमा एस आर फॉल्स, मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ कि ऑप्शन के अंदर जो भी पी और क्यू दिया होगा उसको क्या हम लोग को कंसिडर करने का है, ट्रू कंसिडर करना, दैट इज टी कंसिडर करने का है, और आर कॉमा एस और आर और एस जहाँ पे दिया उसको क्या कंसिडर करने का, फॉल्स कंसिडर करने का है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्टूडेंट ध्यान रखिए आपको पी और क्यू की जगह ट्रू कंसिडर करने का है और आर एस और आर और एस की जगह क्या कंसिडर करने का, फॉल्स। वो सॉल्व करने के बाद अगर स्टेटमेंट जो ऑप्शन का ट्रू आता है वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर ट्रू आया तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद अगर फॉल्स आ जाता है तो वो हमारा आंसर कैसा होगा, रॉन्ग होगा, मीन्स वो ऑप्शन हमारा राइट नहीं होने वाला है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ फॉरवर्ड कर जाएंगे हम लोग। देखिए पहले ऑप्शन में ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पी एंड निगेशन आर, और क्या दिया हुआ उसके साथ, एंड निगेशन क्यू और एस। ओके अब देखिए पी की जगह हमको क्या लिखने का, यहाँ पे पी पे वहां पे क्या बोला है कि पी की जगह आपको ट्रू रखने का है और आर की जगह क्या रखने का है, आर की जगह देखिए यहाँ पे आर कॉमा एस की जगह क्या रखने का, फॉल्स, और पी कॉमा आर की जगह क्या रखने का, ट्रू। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रखने का है, तो इसकी जगह आर की जगह क्या रखने का, एफ। समझ में आया? अभी देखिए इसकी जगह सब की जगह पहले मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखने का आपको, ट्रू, आर की जगह क्या रखने का है, फॉल्स। समझ में आया? अभी देखिए पी की जगह जैसे ही मैं ट्रू रखता हूँ तो यहाँ निगेशन एफ की वजह से यहाँ पे निगेशन आर की जगह देखिए यहाँ पे निगेशन एफ रख दिया मैं। अभी देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आगे आपको, एंड निगेशन निगेशन टी और एफ। अभी ध्यान दीजिए निगेशन एफ के यहाँ पे जब भी निगेशन लगा तो यहाँ पे पूरी तरह से चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा, ट्रू कर देगा। समझ में आया? एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन टी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और एफ। समझ में आया? अभी देखिए ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, इसकी साइन लगेगी, फिर एफ और एफ क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मिस हमारा ये पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग है, रॉन्ग मिस एफ आया, क्योंकि हमको लाना क्या है, ट्रू लाने का है, क्या लाने का है यहाँ पे, ट्रू, डेट इज कॉल्ड टी लाने का है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है क्या, नहीं है। तो अभी हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या है, पी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ट्रू, क्यू की जगह क्या लिखूंगा, ट्रू। समझ में आया? अब यहाँ पे और की साइन है, यहाँ पे आर की जगह क्या लिखूंगा, फॉल्स, यहाँ पे बाय कंडीशनल की साइन है, एस की जगह क्या लिखूंगा, फॉल्स। ओके अब ट्रू कंडीशनल, ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, और की साइन, और एफ कंडीशनल, एफ बाय कंडीशनल एफ हम लोग जब यूज करे होंगे तो याद होगा आपको एफ एफ क्या होता है, ट्रू होता है, तो ट्रू और ट्रू डेट इज कॉल्ड ट्रू। एवरी ट्रू और ट्रू हो या एंड हो या कंडीशनल हो या बाय कंडीशनल हो, अगर दोनों साइड में ट्रू हो तो यहाँ पे ट्रू आएगा, हमको लाना क्या था, ट्रू ही लाना था, तो हमको क्या पता चला कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट है। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फिर से वही बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, सेट 2019 के डे वन शिफ्ट टू में पूछा गया है। समझ में आया? जो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 था शिफ्ट टू में वो भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी शिफ्ट टू में ही पूछा गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटिजेंसी, क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा इसके अंदर है जो कंटिजेंसी शो करेगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम लोग हर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे अगर वो टी और एफ छोड़ के कुछ और ऑप्शन आ रहा है, टी एफ तो आएगा नहीं, वो किसी के इक्वेलेंट आ रहा है, किसी के इक्वेलेंट मीन्स या तो पी और क्यों आ सकता है, या फिर निगेशन पी और क्यों आ सकता है, या फिर निगेशन पी एंड क्यों आ सकता है, या फिर पी कंडीशनल पी और क्यों आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ट्रू और फॉल्स की छोड़ के अगर वो, तो फिर उसको आप कॉलम बनाएंगे और कॉलम करने के बाद आप चेक करेंगे लास्ट कॉलम में अगर टी एफ आ रहा है तो डेट इज योर फाइनल आंसर ऑफ कंटिजेंसी। समझ में आया? लेकिन अगर ये भी केस कभी कभार हो सकता है स्टूडेंट्स, एक चीज ये केस भी हो सकता है कि तीन ऑप्शन आपके ऐसे ऑप्शन हो जो सॉल्व करने के बाद या तो ट्रू आते होंगे या तो फॉल्स आएंगे, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे फाइनलाइज आएगा कि चौथा ऑप्शन हमारा कंटिजेंसी रहने ही वाला है। समझ में आया? तो अभी आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ आपको। अभी देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बताना है, कंटिजेंसी। तो पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, क्या दिया पहला ऑप्शन, निगेशन पी और क्यू दिया हुआ है। समझ में आया? तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो निगेशन पी और पी हो जाएगा ये,
और क्या हो जाएगा, और के साथ निगेशन पी और क्यू हो जाएगा, समझ में आया। अभी देखिए निगेशन पी और पी आया तो क्या लिखूंगा, इसकी जगह ट्रू लिखूंगा, क्यों लिखूंगा ट्रू, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, ट्रू और क्या आ गया निगेशन पी और क्यों, समझ में आया। अभी ट्रू के साथ जब भी कोई ऑप्शन आएगा तो सिर्फ ओनली ट्रू ही आएगा, तो हमको क्या पता चला ट्रू, तो ये हमको क्या पूछा है, कंटिजेंसी पूछा है। इन केस अगर ये क्वेश्चन के अंदर टोटोलॉजी पूछा होता तो ये हमारा ऑप्शन राइट होता, समझ में आया। अभी देखिए सेकंड ऑप्शन में जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा, निगेशन क्यों और पी और क्यों, समझ में आया। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यों और पी पहला ऑप्शन ये, दूसरा क्या हो जाएगा और के साइन लगाएंगे, निगेशन क्यों और क्यों। अभी देखिए यहाँ पे और था तो यहाँ पे भी टी आया था, तो इसका मतलब क्या पता चला, यहाँ पे भी टी आने वाला है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो भी है मिस, इसके नीचे जो भी है स्टूडेंट, फिर उसके इसके नीचे फिर मैं और लिखूंगा यहाँ पे निगेशन क्यू और पी यहाँ पे लिखा हूँ, चलिए मैं एक बार फिर से वो लिख देता हूँ। अब देखिए जब इसके साथ ट्रू के साथ कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ पे देखिए ट्रू के साथ जब और आ रहा था तो क्या आ रहा था, ट्रू ही आ रहा था, समझ में आया। अभी थर्ड ऑप्शन की साइड जाएंगे, थर्ड मिस यहाँ पे ट्रू आया, मिस क्या पता चला ये भी टोटोलॉजी ही शो कर रहा है, हमको क्या पता लगाने का है, कंटिजेंसी पता लगाने का। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, थर्ड ऑप्शन क्या है, पी कंडीशनल पी और क्यू, ओके। अभी देखिए पी कंडीशनल है तो कंडीशनल पे क्या हो जाएगा, निगेशन पी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा और पी और क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स ये पहले ऑप्शन की तरह ही हमारा बन गया, देखिए पहला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन की तरह बन गया, मिस क्या पता आने वाला आंसर टोटोलॉजी आने वाला है। अब देखिए इसके अंदर भी टोटोलॉजी आ गया, इसके अंदर भी टोटोलॉजी आ गया, इसके अंदर भी टोटोलॉजी आ गया, तो हमारा क्या पता चला कि हमारा जो फोर्थ आंसर आने वाला है दैट इज योर फाइनल आंसर, 100% फाइनल आंसर आने वाला है। इन केस अगर आपको लगता है कि ये हमारा आंसर नहीं है तो आप चेक कीजिए, चेक करने के बाद कुछ एक इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, वो इक्विवेलेंट को आपको कॉलम बनाने का है, कॉलम बनाने के बाद हमारा लास्ट का हमारा लास्ट कॉलम देखेंगे वही हमारा कंटिजेंसी शो करने वाला है। तो डेट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ, डेट इज कॉल्ड डी ऑप्शन, समझ में आया। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ये कब पूछा गया, सेट 2019 डे 1 के शिफ्ट 2 में, देखिए शिफ्ट 2 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 2 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग प्रीवियस अभी देखे हैं वो भी शिफ्ट 2 में पूछा गया, तो क्या पता चला इसके अंदर तीन क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, कहीं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियोस का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करें ताकि वो भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने में उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।